तो हेलो गाइज, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल ओपी स्टडी सॉल्यूशन में स्वागत है। तो गाइज, ये जो वीडियोस है हमारे बीबोस के सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। गाइज, हमारी बीबोस की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन, जो है बड़ी अपडेट जो है यहाँ पे आ चुकी है। गाइज, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंट जो है वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए। काफ़ी बड़ी अपडेट जो है बिहार ओपन बोर्ड बीबोस की तरफ से हमारी यहाँ पे आ गई है गाइज। तो जो भी हमारे एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हो, तो भाई उनका एग्ज़ाम अभी एग्ज़ाम की जो तैयारी है उनकी ज़ोर शोर से चल रही है। नोटिफिकेशन यहाँ पे बोर्ड की तरफ से चहल पहल देखने को मिल रही है। बोर्ड जो है पूरा एक्टिव हो चुका है, सुधार यहाँ पर डे बाई डे जो है एग्जाम। तो गाइज, यहाँ बोर्ड की तरफ से जो है लगातार जो है सुधार किया जा रहा है और बोर्ड में जो है इम्प्रूवमेंट, जो मैंने आपको बताया है कि बोर्ड की तरफ से जो है काम जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क हो रहा है। स्टूडेंट सब का एग्ज़ाम बहुत डिले हो रहा है, रिजल्ट भी बहुत डिले से हो रहा था। तो बोर्ड ने जो है यहाँ पर बड़ा फैसला लिया है गाइज, और बोर्ड जो है काफ़ी कुछ चेंजेस यहाँ पर करती हुई नज़र आ रही है। सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में आपको बताऊंगा गाइज, काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। बड़ी खुशखबरी की बात है कि अब जो आने वाला सेशन जो है डिले ना होगा, बहुत ही आसानी से। जो मिस्टर आनंद किशोर सर यहाँ पे हमारे चेयरमैन बने हैं, तो बड़े कड़े चेयरमैन है ये, ठीक है ना गाइज। तुम आपको बता देना चाहूँगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का इन्होंने काया पलट कर दिया था। तो मेरे हिसाब से जिस तरह के नोटिफिकेशन अब ये प्लानिंग जिस तरह के कर रहे हैं, तो बीबोस का भी काया पलट यहाँ पे होने वाला है। इनका भी शेड्यूल जो है एग्ज़ाम जो है मतलब जो सेशन वगैरह है, टाइम टेबल वगैरह है भाई, बिल्कुल ही नियमित होने वाला है इनका, ठीक है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों ने जिसके बारे में यहाँ पे सवाल उठाए थे वो सारा कुछ आपको जो है सही सही होता नज़र दिख रहा है। तो चलिए गाइस, मैं बताने की कोशिश करता हूँ वीडियो को, मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। सब स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और एग्ज़ाम की सारी तैयारी बोर्ड की तरफ से की जा रही है। मैं बोर्ड ऑफिस गया था, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, एडमिट कार्ड शेड्यूल वगैरह आने वाला है। तो एग्ज़ाम की अब तैयारी कर लीजिए, सबका एग्ज़ाम साथ में होने वाला है। और मैं बता दे रहा हूँ, दिसंबर 2023 वाले स्टूडेंट का कल आखिरी दिन है, तो अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर ले, डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता देने वाला हूँ, आखिरी मौका कल भर दिया गया है, आपका डेट जो एक्सटेंड यहाँ पर नहीं होएगा। तो समझ गए ना गाइज, अपना एग्ज़ाम फॉर्म आप आसानी से जो है भर ले कल तक। एक चीज़ और मैं बता देने वाला हूँ, दिसंबर जो हमारे दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं जो भी हमारे दिसंबर वाले स्टूडेंट हैं 2023 के हैं और जून 2023 के हैं, दोनों का साथ में एग्ज़ाम कंबाइंड हो रहा है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट बोल कन्फ्यूज़ हो रहे कि सर हमारा कब होगा 10th 12th। भाई मेरे दोनों सेशन के 10th और 12th के जो है एग्ज़ाम जो है 10th और 12th के एग्ज़ाम जो है बोथ जो है साथ में करवाए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देने वाला हूँ, क्योंकि सेशन काफ़ी ज़्यादा डिले हो रहा है, तो जब तक साथ में एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक भाई आने वाले, देखो अभी तुम्हारा क्या चल रहा है, जून 2024 का एडमिशन हो चुका है। अगर एडमिशन हो गया है, क्लोज्ड हो गया है, तो इनका भी भाई एग्ज़ाम जून तो आने वाला है ना, तो इनका भी एग्ज़ाम होगा। तो रेगुलर कब होएगा, जब ये पिछले सेशन वाले हटेंगे, और अभी जो है दिसंबर 24 के भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन्होंने एडमिशन जिनको दिसंबर 2024 में करवाना है तो अभी करवा लो, उनके भी कुछ दिन में बंद हो जाएंगे पोर्टल। क्योंकि देखो बोर्ड का हमेशा से नियम रहता है कि आप एक साल पहले एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अभी लेट चल रहा है, तो इसीलिए तुम्हारा एडमिशन हो जा रहा है किसी भी सेशन में, जिन्होंने करवा लिया भाई, तो दो महीने बाद तुम्हारा एग्ज़ाम। बताओ, जून सेशन का भी एडमिशन हुआ है तो 3-4 महीने बाद उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ये है कि जिनकी मिस्टेक्स है उनका सेशन जल्दी हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें हैं, समझ गए ना गाइज। क्योंकि भाई
सेशन लेट चल रहा था तो सबको मौका मिल जाएगा इसमें, जो पकड़ा गया जिन्होंने करवा लिया जिन्होंने नहीं करवाया तो नहीं करवाया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता देने वाला हूँ। अभी आपका एग्ज़ाम का दौर स्टार्ट होने वाला है तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और ये जो नोटिफिकेशन है गाइज मैं आपको बता देने वाला हूँ, इसमें काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। देखो ये नोटिफिकेशन ये इस तरह का है कि अभी जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें बहुत तरह की मिस्टेक्स देखी जा रही है। क्या होता है कि स्टूडेंट सब जब एडमिशन वगैरह करवा रहे हैं, अभी जो स्टूडेंट सब एडमिशन वगैरह करवा रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स का जो है प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट हो जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स कुछ से कुछ कर दे रहे हैं, अच्छे से एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर रहे, जिसके कारण जो है लेट चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम फॉर्म जो है अच्छे से नहीं भर पा रहे हैं। तो ये देखो नोटिफिकेशन में जो है आनंद किशोर सर का ये नोटिफिकेशन बना हुआ है, उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये बोर्ड चल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर साफ जो बिहार बोर्ड में जो चीज़ें लागू होती है ना बिहार स्कूल एग्जाम, वो बीबोस में लागू हो चुकी है, वो बीबोस में यहाँ पर लागू करने, यहाँ पर जो टीचर सब जो है ध्यान से सुन लेंगे, जो हमारे स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं प्रिंसिपल हैं हेडमास्टर सब जो हैं उनको यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है। देखो जो स्कूल जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के जो स्कूल होते हैं, ध्यान से सभी स्टूडेंट और टीचर यहाँ पे स्कूल के कोऑर्डिनेटर वगैरह देखेंगे, जो स्कूल में जितने भी हैं सबके लिए यहाँ पे आनंद किशोर सर के तरफ से यहाँ पे जो भी है बोर्ड की तरफ से वही दिशा निर्देश अभी दे रहे हैं, तो उनके लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला गया है। ये नोटिफिकेशन जो बताया गया है तो इसे जो आती या देखो अति आवश्यक समझा जाए, ठीक है ना, हल्के में ना लें इसको, लापरवाही कोई नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट सब का एग्ज़ाम जो है वैसे ही डिले चल रहा है। तो जो भी हैं आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि इधर द्वारा सभी केंद्र के संवाहक को सूचित किया जाता है कि शिक्षार्थियों एवं अभिभावकों को नामांकन परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी कठिनाइयों को दृष्टिपथ रखते हुए सूचित करना है कि बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण परीक्षा बोर्ड पटना के प्रधान अध्यापक जो सामान्यतः केंद्र के जो हैं संवाहक उपसंवाहक होते हैं, ठीक है ना, को उनके केंद्र का यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड निर्गत किया जाना है। देखो यहाँ पे नया यूज़र आईडी और पासवर्ड जो ये लोग देंगे, जिससे कि जो स्कूल वाले होते हैं ना उनको दिया जाएगा और वो लॉगिन करके सिर्फ उनको ही दिया जाएगा, वो लॉगिन करके जो स्टूडेंट सबका जो भी एडमिशन है जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट खुद से कर लेते हैं लेकिन जो जिनको प्रॉब्लम्स होती है वो स्कूल में जा कर के डायरेक्ट जो है उनको देंगे और वो उनके हाथ में सारा कुछ रहेगा और वो आसानी से आपका कर देंगे, स्टूडेंट का सब कुछ टाइम पे एडमिशन एग्ज़ाम फॉर्म सारा कुछ हो जाएगा, एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये स्कूल की जिम्मेदारी यहाँ पे दी जा रही है, समझ गए ना, अब ये जो है स्कूल की जिम्मेदारी पूरी रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं अतएव सभी संवाहक उपसंवाहक अपना नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का कोड संख्या, दूरभाष नंबर, मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी, आधार कार्ड एक सप्ताह के अंदर जो है उपलब्ध कराएं ताकि उनका यूज़र आईडी और लॉगिन पासवर्ड जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उनको जो भी है उपलब्ध कराया जाएगा। इसे अति आवश्यक समझे संबंधित सूचना मेल पर उपलब्ध कराएं, जो भी है यहाँ पे देखो ये मेल करना है, यहाँ पे जो बोर्ड ऑफिस को ये मेल करना है आपको, जो भी स्टडी सेंटर के जो टीचर देख रहे हैं, जो स्कूल के प्रधानाध्यापक जो देख रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जो है आपको info@bbos.org पे जो है अपना डिटेल भेजे, संवाहक उपसंवाहक अपना नाम भेजे, विद्यालय का नाम भेजे, विद्यालय का कोड संख्या भेजे, ठीक है, मोबाइल नंबर भेजे, ईमेल आईडी, आधार कार्ड जो है एक सप्ताह के, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है 5-6 डॉक्यूमेंट्स जो है ये भेजने, स्टूडेंट को नहीं बोला जा रहा है ये टीचर को बोला जा रहा है, आप इस मेल पे आप भेज दें जिससे कि आपको जो है एक नया यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, आप उसके थ्रू जो आप स्टूडेंट सबका जो बीबोस के स्टूडेंट होते हैं उनका एग्ज़ाम फॉर्म और जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी है आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और उससे आप स्टूडेंट की जो है एडमिशन वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तो समझ गए, तो मैंने आपको पूरा ये आपको बता दिया, समझा दिया, उम्मीद करते हैं सारी
सारी जो है इन्फॉर्मेशन जो है हमारे टीचर सबको और स्टूडेंट सबको पता चल गया होगा। आने वाले समय मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिहार बोर्ड जैसे लाखों बच्चों का जो 40-40 लाख बच्चों का जो एडमिशन वगैरह एग्जाम फॉर्म वगैरह पर ईयर भरते हैं, तो यहाँ पे बीबोस का भी कल्याण हो जाएगा इससे। और ये अच्छी पहल है बोर्ड की तरफ से, ये बड़ा कदम उठाया गया है। इससे मेरे को लग रहा है कि काफ़ी कुछ जो है यहाँ पे टाइमिंग जो है सब कुछ सुधरेगा, यहाँ पे स्टूडेंट सबका यहाँ पे बहुत ही अच्छा होने वाला है यार मेरे हिसाब से। अब देखो, अब एक चीज़ और बता देने वाला हूँ गाइस, देखो यहाँ पे मिस्टर आनंद किशोर जो है आईएएस, हमारे आईएएस लेवल के जो है आधार आईएएस जो है लेवल के यहाँ पे जो है हमारे चेयरमैन है, ठीक है ना। तो भाई मैं आपको बता देने वाला हूँ, बड़े ही अच्छे हैं ये, ठीक है। मैं आपको, इनका काम काफ़ी सराहनीय होता है, ठीक है। और थोड़ा सा टाइम लगता है यार, देखो नया नया है, मैंने बोर्ड ऑफिस में बात किया तो काम अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। तो सर की तारीफ करनी पड़ेगी कि काफ़ी कुछ सुधार देख रहे हो, धीरे धीरे होगा भाई मेरे, बहुत बड़ा बोर्ड चला रहे हैं ये, ठीक है ना। बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरे को लग रहा है इनके अंडर में जो है काम आने वाले समय में अच्छा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। काफ़ी कुछ मेरे को अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है। ये सारा काफ़ी है, तो ये सारी चीज़ें तो समझ जाएंगे स्टूडेंट्स, अब थोड़ा पेशेंस बना कर रखेंगे। आपको मैं बता देने वाला हूँ गाइज, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लीजिए, बोर्ड की तरफ से इन्फॉर्मेशन आ गई है। और रिजल्ट वाले स्टूडेंट भाई एक बार दोबारा से बता देने वाला हूँ, दिस वीक में रिजल्ट आपके आ जाएंगे, आपकी नई वीडियो बना करके मैं आपको अपडेट भी दूंगा। ओके गाइज, ये सारी चीज़ें हैं, बोर्ड की तरफ से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अभी ये नोटिफिकेशन जो है, आप जो स्टडी सेंटर के टीचर को भी, आप ये अपने जो स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हो, अपने टीचर को ये फॉरवर्ड कर देना ये वीडियो, ठीक है, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम टाइम पे हो, सब कुछ जो अच्छे से हो, समझ गए स्टूडेंट। सबको मैं एक बार दोबारा बता देना चाहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हो अपने टीचर को जो है ये वीडियो फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको उनको एक बार शेयर ज़रूर कर दें, जिनको, क्योंकि टीचर सब तो मेरे को पता है कैसे यहाँ पे बिहार का एजुकेशन सिस्टम इतना गिरा क्यों हुआ है, क्योंकि टीचर सब बहुत ही ज़्यादा लापरवाही है और मेरिट वाले बहुत कम है यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और मेहनत बहुत कम करना चाहते हैं, तो इसी कारण है। आप खुद से शेयर कर दें, मैं आपको हेल्प हो जाएगी उनकी, ठीक है, नींद से जाग जाएंगे, ठीक है ना गाइस, ये सारी चीज़ें। नहीं तो मैंने तो बहुत सारे टीचर को देखा है, डेट ख़त्म हो जाता है उसके बाद मेरे पास आते हैं कि सर हमारा कर दीजिए, तब कहाँ से होएगा, ये सारी चीज़ें। तो समय रहते ही टीचर को आप ये मैसेज जो है शेयर कर देना, ओके गाइस, ये वीडियोज़ हमारी, ओके गाइस। तो चलिए गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, रिजल्ट भी आपका आएगा, डाउनलोड करके मैं बताएगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहेंगे, मिलेंगे फिर एक नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।